आज हम बनाएंगे इस डेलीशियस घी रोस्ट चिकन को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता'स पैशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चिकन घी रोस्ट बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो चिकन लेग पीस। मैरिनेट करने के लिए हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, आप स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच दही। साफ़ हाथों से हम करेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि मसाला अच्छे से चिकन को कोट कर ले। इस चिकन को हम मैरिनेशन के लिए रखेंगे मिनिमम 30 मिनट्स के लिए, आप ज़्यादा लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं। गरम कढ़ाई में मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच घी के। घी मेल्ट होते ही मैंने ऐड किया है कुछ कड़ी पत्ते। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 2 बड़े लंबे कटे हुए प्याज। आप इसको अच्छे से भूनें जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा प्याज भून के अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी स्टेज पे हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे करेंगे कुक जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए। लगभग 1-1.5 मिनट भुनने के बाद हम ऐड करेंगे 1 बड़े टमाटर को रफली चॉप करके। इसको करें अच्छे से मिक्स। टमाटर अच्छे से मशी हो इसके लिए हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। साथ ही मसालों में मैं ऐड करूंगी 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इस स्टेज पे हम रखेंगे गैस का फ्लेम लो, ताकि हमारे मसाले जले ना। साथ ही मैंने ऐड किया है 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, यानी कि फेनल सीड का पाउडर, और 1 चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। और क्योंकि हमारे मसाले जले ना, इसलिए मैंने ऐड किया है 1/4 कप पानी। इसको हम मिक्स करके अच्छे से भुनने देंगे हमारे मसाले को, जब तक ये टमाटर अच्छे से मशी ना हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा मसाले ने तेल छोड़ दिया है और टमाटर काफ़ी मशी हो गया है। इसी स्टेज पे हम ऐड करेंगे हमारे मैरिनेटेड चिकन को। साथ ही हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच विनेगर का या सिरका। इसको करें अच्छे से मिक्स और इसको कुक करें जब तक हमारा चिकन अच्छे से पक ना जाए। कवर करके यहाँ मैंने धीमी आंच में लगभग इसको 10 मिनट के लिए पकाया था। इस चिकन के डिश को आप बेसिकली लो फ्लेम पे ढक के अच्छे से भूनते रहें, ताकि इसका एक्चुअल फ्लेवर आ पाए। यहाँ मैंने और ऐड किया है 1 चम्मच अमचूर का पाउडर चिकन के टैंगी फ्लेवर के लिए। आप देख सकते हैं 10-15 मिनट के भुनने के बाद चिकन का कलर काफ़ी चेंज हो गया है। लास्टली हम ऐड करेंगे 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे करें अच्छे से मिक्स। और यहाँ आपका चिकन घी भुना रोस्ट रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। इस डिश को आप चाहें तो एक स्टार्टर के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसको रोटी या नान के साथ खाएंगे तो भी इसका काफ़ी स्वादिष्ट टेस्ट रहता है। तो आप इस मसालेदार रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे दिया गया रेड बटन क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन में ऑल क्लिक करें, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।